welcome to my this video. In this video we are going to start with the transportation, right? इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था रेस्पिरेशन वगैरह की, राइट? सो लेट स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अवेयर अबाउट वॉट इज ट्रांसपोर्टेशन. सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन. द फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो इन अ सिंगल लैंग्वेज इट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दैट मीन्स एक प्लेस से दूसरी जगह अगर मटेरियल को हम शिफ्ट करते हैं, राइट, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन. दैट इज द, अगर मैं और इसको थोड़ा एलेबोरेट करूँ, सो इट इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, यूजअली फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर अवेलेबिलिटी टू द रीजन ऑफ देयर यूज, स्टोरेज और एलिमिनेशन. यानी कि जहाँ एक ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबिलिटी है वहाँ से लेकर हम उस जगह पर उसको मूव करने वाले हैं जहाँ उसका यूज़ है, स्टोरेज करनी है या फिर एलिमिनेशन यानी कि बॉडी से रिमूव करना है, राइट. फिलहाल हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉडी, राइट. अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में फंक्शंस के बारे में, राइट. ट्रांसपोर्टेशन कुछ के फंक्शन प्ले करता है, जैसे यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, फूड, मेटाबॉलिक गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, वाटर, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. कैसे करेगा, राइट. सो पहले बात करते हैं फूड की. तो फूड की बात करें, सो बेसिकली इट इज़ द अवेलेबल एट पर्टिकुलर पॉइंट्स, लाइक एग्जांपल लीव्स इन प्लांट्स. प्लांट्स के अंदर लीव्स में फूड अवेलेबल है, राइट. अब वहाँ से हमें प्लांट में और पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करना है. कहाँ पर अवेलेबल है? लीफ में. लीफ में क्यों अवेलेबल है? क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा था, राइट. फोटोसिंथेसिस दैट इज़ द ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस इन विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेड देयर ऑन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, राइट. तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया प्लांट ने. कहाँ किया? लीफ में. लीफ में क्यों किया? क्योंकि वहाँ पर एक क्या चीज़ प्रेजेंट है? क्लोरोफिल, यानी कि किचन ऑफ द सेल हम कह सकते हैं, क्लोरोफिल. वहाँ बन गया खाना. अब प्लांट के हर एक पार्ट के पास ये खाना अवेलेबल नहीं है, तो उसको भेजना पड़ेगा, राइट. तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, राइट. तो फ्लोएम प्लांट्स के लीव से लेकर पूरे प्लांट्स पार्ट्स के अंदर इस फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, राइट. फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्ट टू एवरी लिविंग सेल ऑफ द बॉडी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी एज वेल एज मटेरियल. सेम पेज अगर हमारी बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी में भी जब हम फूड खा लेते हैं तो वो जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास इस फूड को ट्रांसपोर्ट करना है. जैसे ग्लूकोज बन गया C6H12O6, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ पर? उस हर एक सेल के पास, लिविंग सेल के पास, जो क्या करेगा? उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा. तो ये हो गया फूड, ठीक है. अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक गैसेस की, राइट. सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द टू मेटाबॉलिक गैसेस. नाउ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय एवरी लिविंग सेल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. इट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट फर्स्ट टू द रेस्पिरेटरी सर्फेसिस एंड देन टू द इंडिविजुअल सेल्स, राइट. डायरेक्टली इंडिविजुअल सेल के पास नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर बॉडी में डिफ्यूजन नहीं होगा. सबसे पहले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उस ऑक्सीजन को कहाँ लेना पड़ेगा? बॉडी के पार्ट में अंदर लेना पड़ेगा, राइट. आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी सरफेस में आ गया. नाउ देन इट इज ट्रांसपोर्ट टू द इंडिविजुअल सेल्स इन एनिमल्स और डायरेक्टली टू द सेल्स इन द प्लांट, राइट. व्हाइल द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज फॉर्म्ड बाय एज अ बाय प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बाय प्रोडक्ट, सो इट पास्ड आउट बाय एलिमिनेशन प्रोसेस. दैट मीन्स बॉडी से बाहर निकलना पड़ेगा. तो इस दो गैस मेटाबॉलिक गैसेस में क्या इंक्लूड किया हमने? दो इंक्लूड किया, राइट. एक मैंने इंक्लूड किया CO2, राइट, एंड द सेकेंड वन इज O2, दैट इज द ऑक्सीजन जो हम बाहर से लेते हैं, ठीक है. ये हो गया मेटाबॉलिक गैसेस. थर्ड की बात करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट की बात आती है यहाँ पर, लाइक टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस, दैट इज कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लो जो बॉडी में बाय प्रोडक्ट के अलावा एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होते हैं, कंप्लीटली वेस्ट. लाइक टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिड्यूस एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. सो जैसे कि कोई मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म मतलब एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, यानी कि प्रोसेस के अंदर क्या होगा? एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल. तो यहाँ फॉर्मेशन होगा मटेरियल का, ब्रेकडाउन होगा अगर मटेरियल का, तो इन दोनों केस में क्या होने वाला है? वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होने वाला, राइट. तो इस वेस्ट को क्या करना है? बॉडी से बाहर निकालना है, राइट. चाहे वो एनिमल की बॉडी हो या प्लांट की बॉडी है, तो वहाँ पर क्या है? एक्सक्रीशन की प्रोसेस से ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भेजा जाता है. तो फॉर दे फर्स्ट टाइम क्या किया जाएगा? दे आर फर्स्ट टेकन टू द किडनी फॉर सेपरेशन. हमारी अगर बात करें एनिमल्स की, राइट, तो किडनी में जाएगा सेपरेशन के लिए. आफ्टर दैट ट्रांसलोकेटेड टू यूरिनरी ब्लेडर में लिया जाएगा फॉर द स्टोरेज एंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर टू द रीजन ऑफ एलिमिनेशन. वहाँ से कहाँ जाएगा? रीजन ऑफ एलिमिनेशन. और एंड में क्या हो जाएगा?
एलिमेंट हो जाएगा, एंड में बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर की। राइट, हमको पता, आपको पता, वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। बहुत सारी 99% ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर वाटर अवेलेबल है, या उसके अंदर मिक्स करना पड़ता है। वाटर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे डेली यूसेज में कितना आता है वाटर। सिर्फ अगर हम बात करें कॉमनली प्लांट्स की, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, सो प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट। रूट में भी स्पेसिफिक किया, उसके रूट हेयर की हेल्प लेकर वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। राइट, एंड आफ्टर दैट इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दी ऑल द पार्ट्स, बॉडी के सारे पार्ट्स में, प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो गया वाटर का। लास्ट की अगर बात करें हॉर्मोन्स की, सो दे आर फाउंड इन स्पेसिफिकली एनिमल्स, सेल्स एक्सेट्रा, वॉट एवर दैट इज रिस्पॉन्सिबल ग्लैंड्स एंड ऑल, उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। सो दे आर फॉर्म्ड इन द पर्टिकुलर रीजन एंड फ्रॉम दैट दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द एरिया ऑफ देयर फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमन्स की बात करें तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट, जो हमारे ब्रेन वाले पोर्शन में, यानी कि हेड में प्रेजेंट है, वो कुछ हॉर्मोन्स बनाती है। फॉर एग्जाम्पल FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन, या फिर LH, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन। तो उसका फंक्शन कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। तो वहाँ पर उसको ट्रांसपोर्ट, यानी कि ले जाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड। क्यों, ब्लड जो है वो क्या है, कनेक्शन इन दोनों के बीच में, यानी कि ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि कनेक्शन कर रहा है, स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। तो हमारी बॉडी में एक मोलिक्यूल को दूसरी जगह पर अगर ले जाना है, एक जगह से दूसरी जगह, तो मेजर रोल कौन प्ले करेगा, ब्लड करेगा। राइट, तो ये हो गया फंक्शन किसका, ट्रांसपोर्टेशन का। इतनी सारी चीज़ें, फूड, मेटाबॉलिक गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, हॉर्मोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या किया हमने, ट्रांसपोर्ट किया, और उसमें इसने हेल्प किया। क्लियर हुआ ट्रांसपोर्टेशन। अब यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन है ट्रांसपोर्टेशन की। स्पेसिफिकली अगर मैं इसको सिंपल वे में कहूँ तो इट्स अ लॉस ऑफ वाटर। मैंने सिर्फ इसको थ्री वर्ड्स में कह दिया, ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर। लेकिन ये किस फॉर्म में होता है, ये वाटर का लॉस वेपर फॉर्म में होता है। कहाँ से होता है, वेटर फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है। अब ये वेपर फॉर्म में लॉस हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, प्लांट में कहाँ से हो रहा है, दैट इज मीन्स प्लांट्स के एरियल पार्ट से, ऐसे पार्ट्स जो हवा के कॉन्टेक्ट में, एयर के कॉन्टेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो किसका लूंगा, लीव्स का लूंगा, क्या, लीव्स, राइट। सो इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स के एरियल पार्ट से, राइट। और ये वही चीज है, जब लीव में से वाटर रिलीज होता है, क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, तो यही स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से रूट में से दूसरा वाटर एब्जॉर्ब होता है। राइट, कोहेसन एडहेशन थियरी आएगी, जब आएगी तब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपिरेशन। आपको क्या होकर याद रखना है, आपको याद रखना है लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में, कहाँ से होता है, एरियल पार्ट्स, एग्जाम्पल लीव्स, एरियल पार्ट्स का एग्जाम्पल क्या है, लीव्स। क्लियर हो गया। नाउ दिस ऑल्सो नोन एज नेसेसरी इविल ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन पूल। अब यहाँ ट्रांसपिरेशन पूल बनने वाला है। ट्रांसपिरेशन पूल मतलब वॉट, ट्रांसपिरेशन पूल का मतलब होता है जब पानी, यानी कि वाटर जब लीव में से लॉस होता है, निकल जाता है, तो वहाँ जो स्पेस होती है वो स्पेस वाटर से फिल्ड हो जाती है, जो वाटर उसके बगल में हो, पास में हो, ऐसे ऐसे करके उसके बगल, उससे बगल, ऐसे कर करके ये रूट तक पहुँचता है, एक सक्शन प्रेशर जनरेट होता है, और उसकी हेल्प लेकर वाटर जो है वापस रूट में एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप्स दिया है, जैसे कि लेंटिक्यूलर, क्यूटिक्यूलर एंड स्टोमेटल। लेंटिक्यूलर दैट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लेंटिकल्स, यानी कि स्टेम्स, राइट। क्यूटिक्यूलर दैट इज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स वेयर कवरिंग ऑफ क्यूटिकल इज प्रेजेंट। सी द कंडीशन, कवरिंग ऑफ क्यूटिकल इज मस्ट देयर, अदरवाइज इफ इट लॉस फ्रॉम स्टोमेटा देन इट इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, राइट। सो स्टोमेटल मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। स्टोमेटा दैट इज द टाइनी पोर्स, छोटे छोटे पोर होते हैं लीफ में, आप सबको बता, राइट, जहाँ से एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का लीफ में, प्लस वाटर भी रिलीज होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा था ट्रांसपिरेशन पूल में, मैंने क्या बताया, एडहेशन कोहेशन थियोरी। तो कोहेशन एडहेशन थियोरी दैट इज वॉज ओरिजिनली गिवन बाई डिक्सन एंड जोली। साइंटिस्ट का नाम क्या है, डिक्सन एंड जोली, एंड इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिनोमिनेशन। वन इज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एन अनब्रोकन कंटिन्यूस वाटर कॉलम इन द जाइलम। जाइलम फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक जाइलम है,
तो इस जाइलम में वाटर मॉलिक्यूल कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहा है, राइट। यहाँ पर आपको याद रखना है एडेशन एंड कोएशन, यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल, राइट, टू एच टू मॉलिक्यूल, ये आपस में इंट्रैक्ट करेंगे। तो एक ऊपर चढ़ रहा है तो उसके पीछे दूसरा भी चढ़ेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट टू द वॉल ऑफ द जाइलम, जाइलम की वॉल के साथ भी अट्रैक्ट होगा। तो इसी अट्रैक्शन की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, दैट इज द कोएशन एडेशन थियोरी। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट था उसका ट्रांसपिरेशन पूल, जो मैंने आपको अभी अभी यहाँ पर समझाया, एक सक्शन पॉइंट जो है जनरेट होता है वो। क्लियर एवरीवन, चले आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमें दो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, एक प्लांट का, दूसरा एनिमल का, ठीक है। प्लांट की बात करते हैं, ऑब्वियसली दो इंपॉर्टेंट पोर्शन यहां आपको याद रखना, राइट। प्लांट में जब भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो एक जाइलम और एक फ्लोएम, ये तो आएंगे ही आएंगे, ये दोनों आएंगे। सो जाइलम एंड फ्लोएम दे आर द वास्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटीरियल। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जाइलम, देन इट विल ओनली ट्रांसपोर्ट वाटर मॉलिक्यूल एंड मिनरल मॉलिक्यूल्स, व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट फूड देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ फ्लोएम, राइट। नाउ प्रोसेस कौन सी है, किस प्रोसेस की हेल्प लेकर, सो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर इंडिविजुअल, डिफ्यूजन की हेल्प लेकर जाइलम एंड फ्लोएम वाटर मिनरल्स एज वेल एज फूड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ पर, प्लांट में, राइट। समझ में आया कि नहीं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट सम मटेरियल्स लाइक गैसेस दे आर ऑल्सो पास इन एंड आउट फ्रॉम द प्लांट्स, द हेल्प प्रोसेस दैट इज गोइंग टू हेल्प ओवर हियर इज डिफ्यूजन, द प्रोसेस दैट इज डिफ्यूजन विच इज हेल्पिंग इन एंड आउट ऑफ द गैसेज, अदर मटेरियल्स दैट इज फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मिनरल्स, वाटर, फूड्स। सो इन दैट केस डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर दो हम चीज़ें पढ़ेंगे, एक जाइलम होगी और दूसरा क्या होगा, फ्लोएम। क्लियर एवरीवन, सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की, राइट। सो जाइलम, टू द पॉइंट, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम दैट इज वुड। नाउ इट इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट शेप, दैट मीन्स वाटर एंड मिनरल्स, शेप मतलब वाटर एंड मिनरल्स, क्लियर। ट्रांसपोर्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के सारे पार्ट्स में रूट से एब्जॉर्ब करके वो वाटर और मिनरल पहुंचाता है, क्लियर। सो इट्स कंसिस्ट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज जाइलम फाइबर्स, सेकेंड जाइलम पेरेन्काइमा, थर्ड ट्रेकाइड्स एंड फोर्थ इज वेसल्स। सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ द जाइलम, जाइलम के क्या है, पार्ट्स है। नाउ देन ड्यू टू ट्रांसपिरेशन द सक्शन फोर्स हेल्प्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर ट्रांसपिरेशन पूल जनरेट होगा, सक्शन फोर्स जनरेट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ फिगर में, उसकी वजह से वाटर जो है रूट से एब्जॉर्ब होगा। देखो वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, अब पूरा यह पाइप जो है, ऐसे समझ लीजिए जाइलम जो है वाटर से भरा हुआ है, कंप्लीटली भरा हुआ है, राइट, लीफ तक भरा हुआ है। लेकिन अब जब लीफ में से ये वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे तो यहाँ खाली स्पेस हो जाएगा, ये स्पेस उसके आसपास के वाटर मॉलिक्यूल भर देंगे। तो यहाँ पर खाली स्पेस हुआ तो उसके आसपास के मॉलिक्यूल यहाँ का स्पेस भरेंगे एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे करते करते हम कहाँ पहुँच जाएंगे, बिल्कुल रूट पे पास पहुँच जाएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो, हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, हम बिल्कुल ऐसे करते करते रूट के पास पहुँच जाएंगे। तो ये स्पेस जब रूट में आएगी तो ये रूट कहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, यस फ्रॉम दी सोइल, क्लियर, कहाँ से, सोइल में से। ये अब किसकी बात की मैंने, जाइलम की, राइट। ओवर हियर वेसल्स एंड ट्रेकाइड्स आर नोन एज ट्रेकाइडरी एलिमेंट, अगर मैं साथ में इनको बोलूँ ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स दोनों को, देन इट इज नोन एज ट्रेकरी एलिमेंट। क्या बोलते हैं दोनों को साथ में, ट्रेकरी एलिमेंट। क्वेश्चन बनता है वाई, क्यों कहते हैं जाइलम में ट्रेकाइड्स और वेसल्स को कॉम्बिनेशन में ट्रेकरी एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, रीजन इज बिकॉज दे टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ शेप, शेप मतलब टोटल लिक्विड मॉलिक्यूल, जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है सारा आ गया, इसको ट्रांसपोर्ट करने में मेजर रोल कौन पार्ट कर रहा है, प्ले कर रहा है, ट्रेकाइड्स एंड वेसल्स, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रेकाइडरी एलिमेंट्स, राइट। शेप का मतलब मैंने आपको बताया, लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में जितना भी जो भी लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, शेप कहते हैं, क्लियर है ये, यहाँ कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड गुड। चलिए देखो यहाँ पर रूट्स में कैसे रहा है, एक डायग्राम से समझाता हूँ। रूट्स हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोइल, कैसे सोइल में से एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ रूट्स जो है किस तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताता रूट
तो यहाँ देखो ये तो रूट है, ये क्या है बच्चों, रूट है। अपार्ट फ्रॉम देट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये रूट्स के हेयर है। क्या है? रूट हेयर। अगर रूट हेयर को मैं जूम करूँ तो देखो यहाँ पर रूट हेयर का सोइल के साथ कनेक्शन देखो आप, ये रूट हेयर है, किस तरीके से सोइल मॉलिक्यूल के बीच में पड़ा है। देखो ये सोइल के पार्टिकल्स है, उसके अंदर आपको वाटर पार्टिकल और एयर पार्टिकल दोनों मिलेंगे। यहाँ से ये रूट हेयर वाटर मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करते ही उसको कहाँ भेज देगा? आगे अपर डायरेक्शन में भेज देगा। क्लियर है? सेम में जो आपको बताता एडिसन कोहेसन थियरी में आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि कोहेसन क्या होता है। सो कोहेसन रेफर्स टू द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब एक ही तरीके का मॉलिक्यूल, जैसे वाटर मॉलिक्यूल H2O, H2O का प्यार H2O के लिए, समझ में आ रहा? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना, दैट इज कोहेसन, राइट? वाटर मॉलिक्यूल्स हैव द स्ट्रॉन्ग कोहेसन फोर्स थैंक्स टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कीप इन माइंड, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स कोई मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है तो उसके पास क्या है, कोहेसन फोर्स स्ट्रॉन्ग है। क्या है स्ट्रॉन्ग? मतलब ये दो H2O मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रॉन्गली, एकदम स्ट्रॉन्गली क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, कोहेसन। अगर मैं एडिशन की बात करूं, सो दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन काइंड फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट काइंड। यहां पर क्या था कोहेसन में? सेम था, H2O का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द H2O, एडिशन में उल्टा हो गया बच्चों। H2O का अट्रैक्शन किसके प्रति था? अब यहां पर आ जाएगा जाइलम के सेल्स के प्रति, क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, सी वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन दूसरे काइंड ऑफ मॉलिक्यूल का होगा, राइट? एंड दैट इज स्ट्रॉन्ग फॉर द वाटर, ये वाटर के लिए भी स्ट्रॉन्ग है। व्हाई? स्पेशली विद अदर मॉलिक्यूल्स बियरिंग द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आप सबको पता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के सामने स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होता है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल सेपरेट है, राइट? तो ये क्या हो गया, ये हो गया एडेशन। क्लियर हुआ एडेशन और कोहेसन, राइट? अब यहाँ एडेशन कोहेसन थियरी में अगर आप ध्यान से देखेंगे, सी ये पूरा जाइलम बनाया हुआ है, जाइलम वेसल है, ये ट्रेकाइड्स है, राइट? अब यहाँ जो है वाटर के मॉलिक्यूल अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मूव करेंगे, राइट? ये वाला ऐसा स्पेस है जिसमें कोई साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, ये थिक वॉल है जिसमें लिग्निन कंटेंट प्रेजेंट है, और ये एरिया आपको दिख रहा है थोड़ा खांचे जैसा अंदर बना है, दैट इज द पिट, यानी कि थीन एरिया ऑफ द सेल वॉल, राइट? थीन एरिया ऑफ द सेल वॉल, और ये जो ये अंदर की थोड़ा दबा हुआ निकला हुआ दिख रहा है, दैट इज द एंड वॉल। क्या है? एंड वॉल है। अपार्ट फ्रॉम दैट गैप वेयर दिस विल बी द गैप वेयर एक सेल की वॉल दूसरे सेल की वॉल के साथ अटैच होता है, जाती है, ठीक है? अब ट्रेकाइड्स की बात करते हैं, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिसको हम पीट्स कहते हैं, और उसके अलावा पूरा एक ट्रेकाइड्स एलिमेंट पिन जैसा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर एडेशन करेंगे और कोहेसन करेंगे। क्लियर है? सी ये मैंने एडेशन का एक फोटो रखा था, स्पाइडर का वेब है, स्पाइडर वेब, इसमें देखो आप वाटर मॉलिक्यूल कैसे अट्रैक्ट किए। तो यहाँ वाटर के जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, सिंगल H2O मॉलिक्यूल। अट्रैक्शन किसके प्रति है? ये जो अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना वेब का, उसके सामने। तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के प्रति क्या अट्रैक्शन है, तो ये हो गया एडेशन। एक और फिगर देख लीजिए आप, ये हमने देखे हैं सारी बूंदे ऐसे बन के रह जाती है, राइट? चलो अब बात करेंगे हम फ्लोएम के बारे में। किसकी बात करेंगे? फ्लोएम। सो फ्लोएम दैट इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू विच टेक्स पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट, बट स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट किसका, फूड का। सो इट्स ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर प्लांट्स। लीव्स क्यों? जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, क्योंकि लीव्स क्या करेंगे, फूड को प्रिपेयर करेंगे, खाना बनाने का काम करते हैं, और वहां से बना हुआ खाना कहीं और ले जाने का काम कौन करता है, प्लांट में फ्लोएम करता है, राइट? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन दैट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? इन प्लांट द फर्स्ट प्लेस वेयर द फूड इज प्रिपेयर्ड, दैट इज लीव्स, एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? नाउ फूड फ्रॉम द लीव्स इज ट्रांसपोर्ट टू द जाइलम बाय द एनर्जी ऑफ ATP मॉलिक्यूल। व्हाट इज ATP? पूरा नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनिन मॉलिक्यूल के साथ कितने फॉस्फेट जुड़े हैं बच्चों? तीन। कितने? तीन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्राई।
एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, ये हाईली एनर्जी है। कहाँ से मिलेगी? ये लास्ट फॉस्फेट, फॉस्फेट का जो बॉन्ड है ना वो हाई एनर्जी बॉन्ड है। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ये बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा, एक फॉस्फेट रिलीज होगा और साथ में हाई एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद ये मॉलिक्यूल जो है एडेनोसाइन के पास क्या दो फॉस्फेट बचे तो वो हो जाएगा ADP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। एक और फॉस्फेट रिलीज हो जाता है तो एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्लियर? नाउ ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर एंटर्स द फ्लोएम। ऑस्मोटिक प्रेशर से वाटर क्या हुआ? एंटर हुआ कहाँ? फ्लोएम में, एंड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। और फूड के ट्रांसपोर्ट में क्या करेगा? वो हेल्प्स करेगा, राइट? अगर मैं डिटेल में जाऊँ किससे बना है फ्लोएम, तो यहाँ पर चार चीजें हैं। एक है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ जो फ्लोएम फाइबर है ना वो डेड कंडीशन में है, राइट? लिविंग नहीं, फ्लोएम फाइबर किस कंडीशन में बच्चों? डेड कंडीशन में, राइट? क्लियर? जबकि वहां हमने जो जाइलम देखा था उसमें चारों के चारों जो पार्ट थे लिविंग कंडीशन में थे। क्लियर है? सी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये सीव ट्यूब है जो फूड को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। ये हेल्पर सेल्स है, कंपेनियन सेल्स, और यहाँ पर वॉल बनी हुई है। सी यहाँ कंपैरिजन दी है जाइलम की और फ्लोएम की, ठीक है? तो यहां तक हमने खत्म कर लिया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स। अब एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा इसकी बात करते हैं, राइट? बी स्पेसिफिक होना है यहाँ पर, मतलब हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, राइट? हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, राइट? सो यहाँ ट्रांसपोर्ट अगर एनिमल में करना है तो यहाँ इंपॉर्टेंट पोर्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि दो अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरी बच्चों होती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप की हो गई? दो, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरी हो गई क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ डिफरेंस लिखा है मैंने ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट? ये आपको नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा IMP पोर्शन है, राइट? 2 मार्क्स 3 मार्क्स में बोर्ड पूछ लेता है, राइट? अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस, जैसे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपका ये कमरा है, ये एक क्या है, रूम है, राइट? और यहाँ पर इस रूम में ये नल है, क्या है? नल है, यहाँ से पानी गिरेगा, ठीक है? अब मुझे यहाँ पर पानी चाहिए, यहाँ वाटर चाहिए, ठीक है? तो यहाँ वाटर चाहिए इस कोने में, तो मैं यहाँ से नल चालू करूँगा। जैसे ही मैंने नल चालू किया तो क्या होगा? नल चालू करते ही वो जो पानी है ना बच्चों, ये यहाँ से मूव होता होता ऐसे सब में फैलता फैलता आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और कहाँ पर आके पहुँचेगा? मेरी दिखा जिसे जहाँ मुझे चाहिए, जिस जगह पर चाहिए वहाँ पर आ जाएगा, राइट? अब इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट करने में बच्चों टाइम लगेगा, सो इट विल टेक टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी पानी यहाँ लॉस भी होगा। देखो पानी लॉस हो गया तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसी सिस्टम जिसमें वाटर जो है लॉस होता है, पानी लॉस होता है, उसको समय लगता है। क्या लगता है? समय भी लगता है। सेम अगर मैं क्लोज की बात करूँ तो यहाँ सेम मुझे नीचे की ओर पानी चाहिए और यहाँ पर क्या है, नल है, और यहाँ से पानी रिलीज होगा। अब यहाँ मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर एक पाइप लगा दिया। क्या लगा दिया? फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक पाइप लगा दिया, ठीक है? अब देखते हैं ये पाइप लगा के, हम देखते हैं ये पाइप लग गया। अब मैंने नल को चालू किया, ऑब्वियसली अब नल चालू करूँगा तो जो पानी है ना वो डायरेक्ट इस पाइप में जाएगा और ये पाइप में से होते होते मेरी जगह जो मुझे डिफाइन की है वहाँ पहुँच जाएगा। तो ध्यान से समझो आप, यहाँ पर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसी सिस्टम होती है जहाँ पर यहाँ देखो पानी का लॉस नहीं हुआ, पाइप से बाहर नहीं निकला, ट्यूब से बाहर नहीं निकला और मेरे टारगेट पे जल्दी पहुँच गया, मेरे टारगेट पे एकदम क्या पहुँच गया, जल्दी पहुँच गया। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी, यहाँ यहाँ वेस्ट हुआ, ओपन में वेस्ट हुआ, क्लोज में वेस्ट नहीं हुआ। देखो टारगेट के ऊपर मैंने डायरेक्ट पहुँचाया, राइट? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ओपन सर्कुलर सिस्टम द सिंपलेस्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पजेस्ड बाय अर्थ्रोपोडा एंड मोलूस्का। अर्थ्रोपोडा मोलूस्का प्लांट किंगडम के दो फाइलम है। प्लांट किंगडम में कुल 11, टोटल 11 फाइलम है, उसमें से लोअर एनिमल्स के दो है ऐसे जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलती है। क्लोज की बात करते हैं, सो एन एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पजेस्ड बाय द वर्टिब्रेट्स, यानी कि ह्यूमंस एनिमल्स एंड फ्यू इनवर्टिब्रेट्स, ज्यादा नहीं बहुत कम। सेकेंड पॉइंट, ब्लड फ्लो की अगर हम बात करें
तो ब्लड फ्लोस आउट दी ब्लड वेसल, यहाँ कोई ब्लड वेसल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना पूरा पानी फैलती है वो कैसे जा रहा है, कोई पाइप नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई ब्लड वेसल नहीं है, जबकि क्लोज में ब्लड फ्लोस विद इन अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जैसे यहाँ पर मैंने ट्यूब बताया ना वैसे यहाँ पर क्या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, राइट। थर्ड नेचर की बात करते हैं, ओपन सर्कुलेट ऑब्वियसली कोई है ही नहीं, राइट, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो ये क्या है लेस कॉम्प्लेक्स है, जबकि यहाँ तो ब्लड वेसल्स का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, राइट, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर क्या है कॉम्प्लेक्स है। एनर्जी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें सो इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी, बहुत कम एनर्जी चाहिए, राइट, जबकि क्लोज में हाई एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लो डेवलप करना है, क्या करना पड़ेगा एक फ्लो डेवलप करना पड़ेगा। प्रेशर की बात करते हैं तो ओपन में ब्लड डज नॉट फ्लो विद अ प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं, देखो यह पानी अपने आराम से घूमता हुआ जा रहा है, कोई प्रेशर है बिल्कुल नहीं, जबकि क्लोज सिस्टम में एक ब्लड प्रेशर डेवलप होता है, देखो इस पाइप में अगर पानी जा रहा है तो वो एक प्रेशर के साथ आगे बढ़ रहा है, एक प्रेशर के साथ आगे बढ़ रहा है, राइट, ताकि स्पीड से जल्दी पहुंचे। मिक्सिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर ब्लड मिक्स हो जाता है, यानी यहाँ अगर पानी है तो दूसरे पानी के साथ भी ये मिक्स हो जाएगा, सो या ओवर हियर ब्लड इज मिक्स विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अगर यहाँ पर कोई और पानी या कोई और फ्लूइड पड़ा है तो उसके साथ ये पानी मिक्स होने के चांसेस रहते हैं, जबकि क्लोज सर्क्यूट सिस्टम में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ और पड़ा हुआ है पानी, लिक्विड पड़ा है, तो इसके साथ ये पानी वाटर जो है मिक्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लो दिया है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिया है, तो यहाँ पर ब्लड जो है डज नॉट मिक्स विद दी बॉडी फ्लूइड। बॉडी कैविटीज, नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी कैविटीज, सो इन बॉडी कैविटी, कैविटी मतलब स्पेस, खाली जगह, राइट, ओवर हियर ब्लड फिल्स द कैविटी, बॉडी में अगर कहीं जगह है तो वहाँ ब्लड भर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस रूम में कहीं खड्डा होगा तो पानी भरा रह जाएगा ना, वहाँ पर भर जाएगा, राइट, सेम बॉडी में भी होगा, अगर कैविटी खाली जगह है तो पानी वहाँ पर भर जाएगा, जबकि क्लोज में ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर गड्ढा कर दूँ मैं तो पानी थोड़ी आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या दिया है, एक ट्यूब बना दी है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें से पानी फोर्स के साथ टारगेट के पास पहुँच रहा है। सो इन क्लोज बॉडी कैविटीज की बात करें तो ब्लड डज नॉट फिल दी बॉडी कैविटी, फिल करता नहीं है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ओपन में डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यहाँ कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं है, जबकि क्लोज में रेस्पिरेटरी पिगमेंट की जरूरत पड़ती है, राइट। एंड द लास्ट वन पजेसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि एग्जाम्पल्स, कोई भी डिफरेंस बच्चों अगर आप लिख रहे हो ना तो एक डेफिनेशन स्टार्टिंग पॉइंट डेफिनेशन कर लो और लास्ट पॉइंट जो है एग्जाम्पल का कर लो बिना भूले, राइट। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अर्थ्रोपोडा मोलुस्का, वाइल सर्कुलेटरी में क्लोज में अगर जाएंगे तो वर्टिब्रेट्स एज वेल एज सम इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया आपका मेजर, सर्कुलेटरी में कितनी है, दो, ओपन एज वेल एज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, गुड। तो ये हमने क्या पढ़ लिया यहाँ तक, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, राइट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, अब हम स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे और वो मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, यानी कि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग स्पेसिफिक, उसमें बहुत सारी चीज़ें बात करनी है, इंपॉर्टेंट है, तो स्टे ट्यून, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय, नोट करते रहिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, बाय बाय, टेक केयर।